दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम पे रील्स क्रिएट करते हो और आपके इंस्टाग्राम पर रील्स पे व्यूज़ नहीं आते, लाइक नहीं आते, फॉलोअर्स नहीं आते, तो ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज आपको रील्स अपलोड करने से वीडियोस को कैसे पोस्ट किया जाता है टोटल तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक आईडी खोला है, वो भी 7 दिन पहले, और दोस्तों वहाँ पर आपको व्यूज़ एंड लाइक दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम को यहाँ पर ओपन कर लिया, और दोस्तों वो आईडी जो मैंने यहाँ पर न्यू ओपन किया है, वो आईडी मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर रीलिंग पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यूज़ यहाँ पर 1200 व्यूज़ गया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ फिर से 1200 व्यूज़ गया, 1500 व्यूज़ गया हुआ है, यहाँ फिर से 1200 व्यूज़ गया हुआ है। गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे व्यूज़ का कमी नहीं है। यहाँ पर देख सकते 612 व्यूज़ गया, ये मेरा न्यू आईडी है, और यहाँ फिर से 1200 व्यूज़ गया हुआ है। और ये व्यूज़ कैसे आता है वो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1300 व्यूज़ गया हुआ है। तो गाइस, यहाँ व्यूज़ है, धुन्ना व्यूज़ आएगा, और लाइक भी कमाल का लाइक आता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो पर यहाँ 1200 व्यूज़ है, और यहाँ मैं क्लिक करते हैं यहाँ पर 420 यहाँ पर लाइक आपको देखने को मिल रहा है, और ये मेरा न्यू आईडी है। यहाँ पर देख सकते 7 दिन में यहाँ पर 102 फॉलोअर यहाँ पर मैंने गेन कर लिया है। अगर आप भी इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो चाहते हो वायरल करना, सही तरीके से काम करना, तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो गाइस, मैं अपने आईडी पे करता क्या हूँ, किस तरह से मैं अपने वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो आपको बताता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ से बैक आता हूँ। बैक आने का सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम में एक सेटिंग करना होगा। वो सेटिंग क्या है, चलिए आपको बताते हैं। आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा अपना प्रोफाइल। सिंपली प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 लाइन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने का दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है अकाउंट वाले ऑप्शन पे। अकाउंट पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कलर डाटा यूज़, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर वो देखने को मिल रहा होगा मीडिया अपलोड क्वालिटी। तो गाइस, यहाँ पर ये हर किसी का ऑफ रहता है, सबसे पहले आपको इसे इनेबल कर लेना है। तो गाइस, मैंने इसे इनेबल कर दिया, अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। अब दोस्तों रील्स पोस्ट कैसे करेंगे, रील्स कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों यहाँ फॉर एग्जांपल ये ऑडियो है, और इस ऑडियो हमको रील्स बनाना है। तो गाइस, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के कैमरा से रील्स बनाना है। यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करके नहीं बनाना है, आपको अपने मोबाइल से कैमरा बनाना है, ताकि वहाँ पर अच्छा क्वालिटी मिल जाए। उसके बाद दोस्तों आपको उस वीडियो को, ऑडियो को यहाँ पर अब वीडियो का एडिटिंग कर लेना है। एडिटिंग करने के बाद दोस्तों आपको उसी वॉइस से पोस्ट नहीं करना है जो रील से, आपको उसी रील्स का यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने का दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा यूज़ ऑडियो का ऑप्शन, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने का दोस्तों यहाँ से आपको रील्स को उठाना, जो भी रील्स आपने बनाया था एडिट किया है। तो बस यहाँ से हम रील्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस रील्स को यहाँ पर मैंने एडिट कर रखा है। सिंपली इस रील्स पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर रील्स आ जाएगा, और सिंपली यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब ऐड पे क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पर रील्स इस ऑडियो के साथ मैच हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने का दोस्तों आपने जिस टॉपिक पे रील्स बनाया है, तो गाइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है राइट ए कैप्शन। तो अब कैप्शन में क्या लिखना है, आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आना यहाँ पर गूगल पे क्लिक करेंगे, और दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है displaypurpose.com, और सिंपली यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करते दोस्तों यहाँ फर्स्ट जो वेबसाइट है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने वाले दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपका जिस भी टॉपिक का वीडियो वो सर्च कर लेना, हमारा वीडियो यहाँ पे एटीट्यूड में, तो यहाँ पर एटीट्यूड सर्च कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एटीट्यूड सर्च करना है, और सर्च करते ही आपको यहाँ बहुत सारा टैग देखने को मिल जाएगा। और वो सिंपली करना है, यहाँ पर देखने को मिला है कॉपी मोड, आपको सिंपली यहाँ पर कॉपी मोड पर क्लिक करना है, और फिर से यहाँ पर इस टैग पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा कॉपी का ऑप्शन, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने का दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पेस्ट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर टैग का काम खत्म हो चुका है, आपको नीचे आना है। नीचे आने का दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है टैग पीपल। तो गाइस, आपको टैग पीपल क्लिक करना है, और यहाँ पर टैग पे क्लिक करना है, और दोस्तों आपको टैग करना है, यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम। और दोस्तों इंस्टाग्राम सर्च करने का दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर इंस्टा को यहाँ पर टैग कर लेना होगा। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम को यहाँ पर टैग कर लिया। फिर से आप हम सर्च करेंगे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्रिएटर, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दो बंदा को टैग करना है, और यहाँ पर टिक पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऐड टॉपिक, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ऐड टॉपिक आपको डालना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, यहाँ पर हम ऐड टॉपिक में डाल देते हैं स्टाइल एंड ट्रेंड्स, हेयर केयर, हेयर स्टाइल, ये डाल देंगे, और सिंपली यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। जिस भी टॉपिक में आप वीडियो रहेगा, यहाँ पे टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, और सिंपली यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। अब डन पे क्लिक करने का दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऐड लोकेशन, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, और दोस्तों आपको अपना लोकेशन यहाँ पर डाल देना है। तो गाइस, हमारा जो लोकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा शेयर टू फेसबुक, आपको अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से यहाँ पर लिंक करना, ताकि आपको ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा लाइक आएगा। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फेसबुक यहाँ पर इस पर लिंक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑन। अगर आपका लिंक लेंगे तो यहाँ पर ऑफ दिखाएगा, आपको लिंक कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिला है एडवांस सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है
अपलोड है, हाई क्वालिटी यहाँ पे ऑन है, कभी कभी ये ऑफ भी हो जाता है, आपको इस पर हमेशा इसको ऑन रखना है ताकि आपका वीडियो जो है हाई क्वालिटी में पोस्ट हो। आपको सिंपली यहाँ पर शेयर पे क्लिक कर देना है। अब इसे यहाँ पर शेयर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो रील्स है यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से रील्स पोस्ट करने से आपके इंस्टाग्राम आईडी पर अच्छा खासा लाइक और व्यूज़ देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप इस प्रकार से इंस्टाग्राम पर रील्स को पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करना और साझा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।